हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी और इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। वैसे ये स्कीम जो है उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद पूरे देश के अंदर इसको लागू किया गया। अभी 35 स्टेट और यूटीज, 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहाँ पर आपको लागू है। ये स्कीम जनरली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है उनकी मदद से या उनकी हेल्प से उसको यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। इसमें पूरा जो दारोमदार है वो स्टेट के ऊपर होता है, राज्य के ऊपर होता है। राज्य अपने सभी जिलों के अंदर कोई एक प्रोडक्ट को वहाँ पर आपको चुनता है और उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनली और नेशनली यहाँ पर आपको प्रमोट किया जाता है। वैसे मध्य प्रदेश में जितने भी प्रोडक्ट हैं, सभी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, कई राज्यों में कई सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन MP के अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो अभी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट को भारत सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने मिलकर यहाँ पर आपको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑरेंज की। तो ऑरेंज किन किन राज्यों के अंदर है? आगरमालवा, राजगढ़, इन दोनों जिलों के अंदर आपका आगरमालवा और राजगढ़ के अंदर ऑरेंज है। फिर सीताफल या कस्टर्ड एप्पल जो है अलीराजपुर, धार और सिवनी के अंदर है। मैंगो की बात करें तो सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, बैतूल, इन पांच जिलों के अंदर मैंगो है। मैंगो का उत्पादन बड़े लेवल पे किया जाता है और इन स्टेट्स के, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो मैंगो है उनको इनके नाम से या उनको प्रमोशन यहाँ पर आपको किया जाएगा। अगला जो है टोमेटो है या टमाटर जिसको हम बोलते हैं, अशोकनगर, दमोह, दतिया, झाबुआ, कटनी, रायसेन, सागर, सतना, शिवपुरी, इन जिलों के अंदर टोमेटो या टमाटर जो है उसको ODOP के अंदर यहाँ पर आपको रखा गया है। अगला जो है पोटैटो है या आपका आलू जिसको हम बोलते हैं, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर, इंदौर, इन चार जिलों के अंदर पोटैटो है। फिर अनियन की बात करें या आपके प्याज की बात करें, हरदा, खंडवा, शाजापुर, उज्जैन, विदिशा, इन पांच राज्यों के अंदर, इन पांच जिलों के अंदर अनियन है। उसके बाद जिंजर की हम बात करें तो निवाड़ी, टीकमगढ़, इन दो बड़वानी, इन तीन जिलों के अंदर जिंजर है। उसके बाद गुआवा की बात करें या अमरूद की बात करें तो अमरूद या जामफल भी बोला जाता है, सीहोर, श्योपुर, होशंगाबाद, भोपाल, इन चार जिलों के अंदर गुआवा या अमरूद। ठीक है, फिर छतरपुर के अंदर बैटल वाइन या पान की खेती वहां पे की जाती, काफी लंबे समय से इन हृदय शाह के टाइम से यहाँ पर आपको पान की खेती की जाती है ना, आपके मिडिवल समय से। उसके बाद कोरिंडर है या धनिया है, कोथमीर भी उसको बोला जाता है, गुना और नीमच के अंदर। गार्लिक जो है वो है मंदसौर और रतलाम में। टर्मरिक रीवा और शहडोल। फिर कोडो कुटकी बालाघाट, डिंडोरी और मंडला, ये एक ट्राइबल फूड है और ये बेसिकली आपके ये जो फूड है या आपके न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसके लिए काफ़ी जाना जाता है। अभी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया, भारत के अंदर स्पेशली कोडो कुटकी काफ़ी ज़्यादा आपको फेमस हो रहा। तो बालाघाट, डिंडोरी और मंडला, इन तीन जिलों के अंदर। चिली जो है वो खरगोन के अंदर है। पन्ना जो है वो ODP के अंदर, आंवला जो है पन्ना के लिए है तो पन्ना के अंदर आंवला को प्रमोट किया जाएगा। जबलपुर के लिए ग्रीन पी या जो हरे मटर होते हैं, हरे मटर को सिलेक्ट किया गया है। मस्टर्ड जो प्रोडक्ट है या सरसों जो है वो मुरैना के अंदर। नरसिंहपुर के अंदर शुगर कैन या गन्ना, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना का प्रोडक्शन होता है तो गन्ने को उसके लिए सिलेक्ट किया गया है। भिंड के लिए जो है बाजरा है और बुरहानपुर के लिए बनाना या आपका केला जिसको हम बोलते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट जो है, ये टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन 52 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 52 प्रोडक्ट्स यहाँ पर, प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट तो 52 नहीं है, मेजर प्रोजेक्ट जो है वो टोमेटो, पोटैटो और अनियन है। ठीक है, बाकी फिर छोटे मोटे कई सारे यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स हैं तो इनको यहाँ पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा ना, उनको यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर आपको सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद अनअकैडमी पर, जैसे कि कल आपका प्रीलिम्स है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स, कि कल आपका प्रीलिम्स होने वाला है और आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आप काफ़ी अच्छा करके आएंगे। ओके, उसके बाद कल परसों से फिर से मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके अंदर पेपर 1, 2 और 3 की क्लासेस चल रही हैं। अनअकैडमी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फ्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो प्लस क्लासेस ज्वाइन करेंगे उनमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट है जो हर संडे अभी हो रहा है, जिसमें आपको टॉप 3 रैंक में 50% और टॉप 100 रैंक के अंदर 4 से 100 में 25% डिस्काउंट, T20 सीरीज, MPPSC, GK ब्रह्मास, गुरु मार्गदर्शन सीरीज, 8 महीने का एक फाउंडेशन बैच है आंसर राइटिंग के साथ में, 8 महीने का इंग्लिश मीडियम का बैच है विद आंसर राइटिंग,
एंड एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस। जून के अंदर कई सारी बैचेस चल रही हैं, जुलाई के अंदर कई सारी बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, कई सारी बैचेस 28, 29, 30 को भी शुरू हो रही है, ताकि आपका 2021 का प्रीलिम्स और 2020 का मेंस दोनों की तैयारी आप कर सकें, या जो भी आपका जैसा पेपर जाता है दोनों की तैयारी करना है दोनों की कर सकते हैं। तो सभी अवेलेबल हैं, साथ ही व्यापम के कोर्सेज हैं वो तो अवेलेबल हैं ही। अब इन कोर्सेज के लिए आपको मेरा कोड पवन लाइव यूज़ करना है, एक साल का सब्सक्रिप्शन जो है इट कॉस्ट 8,800 रुपीज़। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, 7,920 रुपीज़ में कोर्स मिल जाएगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन 12,800 का है और कोड यूज़ करने के बाद 11,520 में मिलेगा। उसके साथ अगर आप रोज अनअकैडमी पर लेक्चर्स देखते हैं तो आप अपने क्रेडिट पॉइंट जो हैं उनको भी रिडीम कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी अनअकैडमी के जो प्राइजेज हैं वो बढ़ने वाले हैं, इसके पहले प्राइजेस इंक्रीज़ हो आप अभी जाके आप सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही अभी एक ऑफर चल रहा है, उस ऑफर के अंतर्गत अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा और 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीना आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो गो एंड टेक योर प्लस सब्सक्रिप्शन राइट नाउ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।